एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं इंग्लिश ग्रामर की चला रहे हो, बिकॉज मैंने पहले आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग को टीच करती थी। बट अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, सब जानते हैं कि अभी आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है, तो उसके लिए आप लोग को है कि इस टाइम में अपना कैसे यूटिलाइज करें। तो आप सब चाहते हो कि इंग्लिश ग्रामर की मैं क्लास स्टार्ट करूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप प्लीज़ इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करो, बिकॉज उनकी ग्रामर जो है वो वीक है, तो एग्ज़ाम टाइम में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप टेंशन मत लो, आपकी से समथिंग चैनल आपके साथ है हमेशा। लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी 25 अप्रैल से। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, ताकि आपकी जो भी क्लास है वो टाइम से स्टार्ट हो सके, आप भी टाइम से उस क्लास को ज्वाइन कर सको। तो इस क्लास में बता दूँ कि क्या क्या होगा इस क्लास में। तो इस क्लास में देखो, पहले तो मैं आपको ग्रामर की बेसिक चीज़ बताऊँगी, बिकॉज जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आप कितना भी ज़्यादा आप पढ़ लो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूँ। सो बेसिक डज नॉट मीन कि ABCD से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज इतना तो आप लोगों को पता ही है, एंड दिज आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर, दिज इज अ पार्ट ऑफ सम बेसिक थिंग्स जो हम सबको पता होता है। तो बेसिक विच मीन्स कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ताकि आगे चल के आप इजीली अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एरर डिटेक्शन से कोई क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स से कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली उसे फिल कर सको। एंड आपके सिलेबस में भी बहुत ही ग्रामर का एक अहम रोल है हम कह सकते हैं, बिकॉज ग्रामर अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आप आंसर राइटिंग में अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो उसके लिए मैं आप सबकी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ 25 अप्रैल से। टाइमिंग का मैं इवनिंग में सोच रही हूँ, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इवनिंग में क्लास अटेंड करने का तो आप कमेंट कर देना, आप सबके अकॉर्डिंग ही मैं टाइमिंग डिसाइड करूँगी, बिकॉज पिछले बार भी मैंने टाइमिंग इवनिंग में रखा था, बट बच्चों ने कहा कि नहीं मैम आप थोड़ा और डिले कर दो, बिकॉज मैंने 4 to 5 रखा था एंड बच्चों ने कहा कि नहीं 5 to 6 करो, तो उस अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया था। तो टाइमिंग का ऐसा है कि आप लोग जैसा बोलोगे उस अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट इसके लिए आपको बस कमेंट करना होगा, ताकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूँ जिसमें मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप सब भी उसमें ऐड हो जाओ। तो आई होप कि आप सबको पता होगा, समझते होगे कि इस चीज़ को आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है, कि एंड ग्रामर हमारी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इनका इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट आप लोगों को अपनी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इट आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हो एंड आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप 2-3 दिन डेमो क्लास लेके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर देना। तो इस ग्रामर क्लास की फ़ी है आपकी 500, जो कि मंथली रहेगी, ठीक है, 1 month की फ़ी है 500, और आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑनलाइन पे किया है प्रीवियस क्लास में भी एंड एग्ज़ाम के टाइम भी पे किया है, तो सबको पता है कि ऑनलाइन पे कैसे होता है, पेटीएम से होता है, गूगल पे से होता है, फ़ोनपे से होता है, इनफैक्ट आप चाहो तो बैंक से भी डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने बैंक में भी डायरेक्ट किया था। तो आपका ये सब डिपेंड है आप पे, बट सबसे पहले तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इन दिस कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ और मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हो ग्रामर क्लास लेने में। तो आई होप कि आप लोग समझोगे इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझोगे, बिकॉज ये चीज़ मैंने आप लोगों की ही कहने से स्टार्ट किया है ग्रामर क्लास, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ ग्रामर इम्प्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप हिंदी ऑनर्स स्टूडेंट हो या कोई अदर भी स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी ग्रामर क्लास ले सकते हो, बिकॉज ग्रामर आगे भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, एंड कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी अगेन एंड अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम विद से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।